गुड इवनिंग टारगेट ऑन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं नवीन शर्मा एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे आप सभी लोग, सो आइए हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू किया हुआ है जहां पे यूरोपियों के आगमन के क्रम को हम लोग समझ रहे थे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये भी देखा कि यूरोपियों के आने का क्या क्रम रहा, कैसे उनका फाइनली भारत आगमन हुआ, जहां पे फारस की खाड़ी, लाल सागर, यहां से आने के मार्ग हुआ करते थे पहले, वो अवरुद्ध हुए तुर्की के चलते। 1453 में कस्तुनतुनिया क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब पुर्तगाली अपनी फैक्ट्रियाँ बनाने लगे तो पुर्तगाली सरकार को ये भी महसूस हुआ कि हमें अपने गवर्नर भेजने चाहिए। तो आपने देखा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये दो गवर्नर यहाँ पे आए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को आदिल शाह से जीत लिया। बीजापुर का शासक हुआ करता था 1510 ईस्वी में, ईयर के साथ याद रखें। उसके बाद कोई योग्य गवर्नर नहीं आया, लेकिन फाइनली जो गवर्नर भेजा गया नूनो दा कुना, उसको भेजा गया, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए भी। तो अगला हेडलाइन देंगे नूनो दा कुना, पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं अभी हम लोग अभी पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं। पुर्तगालियों का जो आगमन है, इसमें जो अगला गवर्नर है, यानी लास्ट सेशन जहाँ पे समाप्त किए थे वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। नूनो दी कुना है ना, इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1529 से 38 तक ये लगभग भारत में रहता है। 1529 से लेकर 1538 तक ये भारत में रहा, और इसने क्या कारनामा किया। सबसे महत्वपूर्ण कारनामा इसका जो मिलता है, अभी तक राजधानी कोचीन चला करती थी, कोचीन से राजधानी बदल के इसने गोवा कर दी, और अब मुख्यालय पुर्तगालियों का गोवा हो गया। तो कोचीन से मुख्यालय गोवा कौन कर रहा है, नूनो दा कुना, ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलती है। 1530 में ये कार्यक्रम कर रहा है, 1530 है ना, राजधानी कोचीन से बदलकर गोवा कर दी। और यहीं पे आपसे प्रश्न बनेगा कि भैया पुर्तगालियों का मुख्यालय पूछा जाए तो यही रहेगा, है ना, पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा, ठीक है जी, एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपसे जोड़ के भी पूछा जा सकता है कि जब पुर्तगाली भारत में आ रहे हैं तो उस समय किसका शासन चल रहा है भारत में, या नूनो दा कुना के समय जब गोवा परिवर्तित की गई तो भारत में किसका शासन चल रहा है। याद कीजिए 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, बाबर इब्राहिम लोधी, है ना, तो कौन चल रहा है, मुगल वंश चल रहा है। 1527, 1528, 1529, 3-4 युद्ध हमने लगातार सीखे थे, है ना, पंखा चला घर में, याद आ रहा है। तो मुगल वंश इस समय भारत में है, मुगल वंश में बाबर इस समय भारत में है। तो ऐसे ही आपसे प्रश्न रहेगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में कौन सा मुगल बादशाह है, अकबर, उसको देखेंगे आगे चल के। तो ये सारे पॉइंट आपको इस तरीके से भी रिलेट करके पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसका एक महत्वपूर्ण कारनामा और देखने को मिला कि अभी तक भारत के पश्चिमी तट पर मुख्यालय हुआ करते थे। आपने देखा कोचीन, केरल, कन्नूर, यहाँ बनाया गया, फिर गोवा बना दिया गया, फिर आगे चल के सूरत बनाएंगे, मुंबई, गुजरात बनाएंगे, इस तरीके से मुख्यालय पश्चिमी तट पर देखने को मिला। लेकिन इसके समय पे आते आते पूर्वी तट पे भी मुख्यालय बनने शुरू हो गए। तो इसने काम क्या किया कि पश्चिमी तट के साथ साथ पूर्वी तट पर भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अगर मैं पश्चिमी तट की बात करूं तो पश्चिमी तट में आपने देखा कोचीन, आपने देखा गोवा, है ना, आप देखेंगे मुंबई, आप देखेंगे सूरत, तो ये बनाता है। लेकिन पूर्वी तट की बात करें तो सेंट थॉम को केंद्र बनाता है। और पूर्वी तट में सबसे महत्वपूर्ण हुगली को बनाता है। हुगली कहाँ, बंगाल में ना हुगली। तो यहाँ से समुद्री तट नज़दीक पड़ता है, तो इस हुगली का इसने प्रयोग किया समुद्री डकैती के लिए, कि समुद्र में जाके लूट लेना है, है ना, ये मामला कौन कर रहा है, नूनो दा कुना। लेकिन मुगल वंश का एक बादशाह जो चल रहा है इस समय, शाहजहां, इस समय तक आते यानी हुगली को वो फाइनली समाप्त करता है आगे चल के, आगे आने वाले क्रम में। अभी तो बाबर है फिलहाल, 1530 तक रहता है बाबर, 1530 में तो कोचीन से गोवा बदल रहा है।
शाहजहां इस हुगली केंद्र को नष्ट करता है पुर्तगालियों के। इसमें पॉइंट लिख सकते हैं बना के कि हुगली का प्रयोग किसके लिए किया गया, समुद्री डकैती के लिए। किसके लिए किया गया, समुद्री डकैती के लिए, समुद्री डकैती के लिए इसका प्रयोग किया गया है। और इसको नष्ट किसने किया, शाहजहां ने, शाहजहां ने, शाहजहां ने इसे नष्ट किया, इसे नष्ट किया। ठीक है जी, शाहजहां ने इसे नष्ट कर दिया। फाइनली इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये कारनामा इसका देखने को मिलता है। और इसी क्रम में आगे मामला चलता रहा और गवर्नर आते गए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहे, लेकिन 1595 तक पुर्तगालियों का एकाधिकार बना रहा कि पूरे यूरोप में पुर्तगालियों के अलावा कोई शासन नहीं करेगा भारत में। तो 1595 में डचों ने इस मिथ को तोड़ा और फाइनली इंडोनेशिया में अपना व्यापारिक केंद्र बाटविया में स्थापित कर दिया। और अंग्रेज भी आ गए, अंग्रेजों से इनका युद्ध होता है सवाली का युद्ध। सूरत में एक क्षेत्र है सवाली, सवाली बंदरगाह पड़ता है। तो सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया। फाइनली ये इनका मिथ हटा दिया कि भैया केवल आप ही का एकाधिकार है, कोई भी आ सकता है, समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग में 200 मीटर तक का बरामदा होता है। भाई आपके घर के आगे जो बरामदा है आप ही का अधिकार है, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाट लगा के बैठो, बाइक खड़ी करो, गाड़ी खड़ी करो, कोई और तो आके नहीं खड़ी कर सकता है। तो ऐसे ही 200 नॉटिकल मील तक का मामला होता है जो हर देश को लगभग मिला हुआ है। बाकी उसके बाहर जो जाता है फिर कोई भी जाए, कोई भी टहले, है कि नहीं है, तो वही वाला मामला। तो इसके बाद कई सारे आ गए, फिर अब डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, डेनिश, फ्रांसीसी, इस क्रम में ही आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन पुर्तगालियों की कुछ देन भारत में देखने को मिलती है, उसको हम लोग जरूर देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और छोटा सा सब हेडिंग दीजिएगा पुर्तगालियों की देन, छोटा सा सब हेडिंग दीजिए पुर्तगालियों की देन, पुर्तगालियों की देन, पुर्तगालियों की क्या देन रही उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट देन जो इनकी रही वो थी प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, है ना, प्रिंटिंग प्रेस। भाई अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को भी करना है, उसको भी बताना है लोगों तक, तो प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकता थी। तो प्रिंटिंग प्रेस ये लेके आए। और उसके बाद देखेंगे समुद्री जहाज निर्माण कला, ये भी यही लेके आते हैं, समुद्री जहाज निर्माण कला। दूसरा पॉइंट ध्यान रखें, समुद्री जहाज निर्माण कला, समुद्री जहाज निर्माण कला यही लेके आए, यहीं से सीखे कि भैया समुद्री जहाज बनाते कैसे हैं। तीसरा पॉइंट, खेती के संदर्भ में अगर बात करें तो खेती में सबसे महत्वपूर्ण तंबाकू कौन लेके आए हैं, यही लेके आए हैं, तंबाकू कौन लेके आए, ये लेके आए। फिर काजू बादाम, है ना, काजू बादाम पपीता, इन सब की खेती लेके आए। आलू यही लेके आए हैं। हालांकि पुर्तगालियों का व्यापार अन्य देशों से भी हुआ करता था, वो अन्य देशों से लेके आए फिर भारत लेके आ गए। तो भारत में कौन लेके आए हैं, पुर्तगाली, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण एक सिस्टम ये भारत में लागू कर देते हैं, सिस्टम ये भारत में लागू कर देते हैं जिसका नाम है आलू, है ना, आलू है भाई। कार्टेज, कार्टेज काफिला पद्धति, कार्टेज काफिला पद्धति, कार्टेज काफिला पद्धति कौन लेके आए हैं, ये पुर्तगाली ही लेके आए हैं। कार्टेज का मतलब क्या है कि भैया समुद्री रास्ते का प्रयोग करोगे तो टैक्स भरोगे, ऐसा बताते हैं, अकबर ने भी ये टैक्स भरा था एक टाइम पे। काफिला पद्धति का मतलब क्या है कि समुद्री जहाज में अगर आपका जहाज आ रहा है किसी भी यूरोपी का, तो एक काफिला हमारा भी चलेगा आपके साथ, एक समुद्री बेड़ा हमारे साथ आपके साथ चलेगा, ताकि आप लोग हमारे नियम के अनुसार रहें और कोई समुद्री लुटेरा अगर आपको लूटने आता है तो हम आपकी रक्षा भी कर सकें। ठीक है जी, तो ये चार पाँच पॉइंट ध्यान रखने जो पुर्तगालियों की देन यहाँ पे रही। उसके बाद अगले इसी क्रम में आते हैं डच, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पुर्तगालियों की देन प्रिंटिंग प्रेस, समुद्री जहाज निर्माण कला, खेती के संदर्भ में तंबाकू इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें, भारत में तंबाकू लेके कौन आया, काजू बादाम आलू, आलू के बारे में कई बार पूछा जाता है कौन लेके आया, तो ये पुर्तगाली ही लेके आए हैं। और अंत में कार्टेज काफिला पद्धति यही लेके आ रहे हैं। क्लियर है की पिक्चर, हाँ जी। उसके बाद आते हैं डच, अगला हेडलाइन देंगे डच, अगला हेडलाइन दीजिए डच, डच अभी इनके आने का क्रम देख रहे हैं, हालांकि ब्रिटिशर्स का भी देखेंगे, अंग्रेज लोग जब आएंगे, लेकिन अंग्रेजों को तो हमें विस्तार से पढ़ना है, तो उनके आने के क्रम में क्या क्या कारनामा हुआ वही अभी हमें इसको समझते हुए रैप अप करना है, इसको समझना है। ठीक है, तो ब्रिटिश, अगर डच की बात करें तो एक यूरोप में एक देश है हॉलैंड, जिसको बोला जाता है हॉलैंड, आज की डेट में उसको नीदरलैंड बोलते हैं, है ना। तो ये डच कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे। ये डच कहाँ के निवासी थे, तो डच जो है नीदरलैंड के निवासी हुआ करते थे, डच जो है
कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड, नीदरलैंड, ब्रैकेट में लिख लेंगे हॉलैंड, हॉलैंड के निवासी थे, हॉलैंड के निवासी थे। इनको जब पता लग गया कि भैया भारत में 1595 तक एकाधिकार बना रखा है, तो इन्होंने तोड़ा फाइनली आके, उस मिथ को तोड़ा पुर्तगालियों की, है ना। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1602 ईस्वी, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई 1602 ईस्वी में। कब स्थापित हो रही है? 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोले? ईस्ट पूर्व की तरफ, इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रिटेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, फ्रांसीसी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो उस तरीके से नाम यहाँ पे जोड़ते चले गए। और सबसे पहले पहुँचे इंडोनेशिया, जिसको मसालों का पुंज कहा जाता है। तो मसाला तो इनका उद्देश्य नहीं था, इनका उद्देश्य था वस्त्र निर्माण, है ना, वस्त्र का निर्यात करो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रेशम बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिला भारत में। तो मुख्यालय कहाँ बनाते हैं? इंडोनेशिया में। इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? डचों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? मुख्यालय बनाया बाटविया, बाटविया, बाटविया में बनाया। और बाटविया कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में अपना इन्होंने मुख्यालय बना लिया बाटविया। ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ पे डच के संदर्भ में ध्यान रखना है। और उसके बाद 1605 में ये मसूलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पे, कोरोमंडल तट पे ये पहुँच जाते हैं। तो 1605 में भारत में व्यापारिक केंद्र बनाते हैं मसूलीपट्टनम। 1605 में भारत में व्यापारिक केंद्र, भारत में व्यापारिक केंद्र ये बनाते हैं कहाँ? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये कहाँ पड़ता है? पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर ये पड़ता है। यहाँ पे भी अपना मुख्यालय भारत में बनाते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए डचों का मुख्यालय कहाँ था, तो बाटविया, इंडोनेशिया, यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे पुर्तगालियों का उद्देश्य था मसाला व्यापार, इनका उद्देश्य था वस्त्र निर्यात, यहाँ से वस्त्रों को निर्यात किया जाए। तो इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य था वस्त्रों का निर्यात, वस्त्रों का निर्यात करना। इनका उद्देश्य क्या है? वस्त्रों का निर्यात, डचों के संदर्भ में बात करें। लेकिन हुआ क्या आगे, हम देखेंगे मीर जाफर, मीर जाफर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अंग्रेजों ने उसको बंगाल का नवाब घोषित करवाया, अंग्रेजों ने, और अपने हितों की पूर्ति उससे करवाने लगे। लेकिन वो उनकी अत्यधिक मांगों से परेशान होकर डचों से जा मिला। उसको लगा कि यार डच भी तो यूरोप के हैं, इनको भी पता होगा जैसे अंग्रेज लोग टैलेंटेड हैं, ये भी टैलेंटेड होंगे, तो ये जाके डचों से मिल गया। तो अंग्रेजों ने बोला कि मीर जाफर को तो बाद में देखेंगे, पहले डचों को देखते हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे काम में हस्तक्षेप करने की। तो उसी संदर्भ में एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध, 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित करते हैं अंग्रेज, और फाइनली इनका बोरिया बिस्तर गोल, है ना। तो वो युद्ध कब हो रहा है, किनके बीच हो रहा है, किस कारण हो रहा है, ये दो तीन पॉइंट आपको यहाँ पे जरूर ध्यान रखने हैं। तो लिखेंगे इसमें 1759 ईस्वी में, अंततः 1759 ईस्वी में लिख लेंगे इसमें, अंततः 1759 ईस्वी ईयर के साथ 1759 ईस्वी में क्या हुआ? बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध भी बोल देते हैं तो आप पहचान जाएंगे, बेदरा का युद्ध किनके बीच हो रहा है? अंग्रेज और डचों के बीच, अंग्रेज और डचों के बीच। अंग्रेज विजयी हुए इसमें और इनका पैकअप हो गया डचों का, है ना। और डचों के साथ कौन आके मिल गया था? मीर जाफर, मीर जाफर अंग्रेजों की मांग से तंग आकर, आप लिख सकते हैं अंग्रेजों की मांग से तंग आकर डचों से मिला, डचों से जा मिला, याद रह जाएगा। तो बेदरा का युद्ध, यहाँ से इनका फाइनली पैकअप हो जाता है, तो डच का मामला समाप्त, है ना। यही इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिलते हैं। कहाँ के निवासी हैं? हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड बोल रहे हैं आज की डेट में। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है। मुख्यालय कहाँ बना रहे हैं? बाटविया, इंडोनेशिया, जो आज की डेट में है। 1605 में भारत में मुख्यालय बनाते हैं, व्यापारिक केंद्र बनाते हैं मसूलीपट्टनम में,
इसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में है ना। उद्देश्य क्या था इनका, वस्त्रों का निर्यात करना, भारत से रेशम वस्त्रों को भेज देना। लेकिन आगे चलते चलते 1769 में बेदारा युद्ध में इनको फाइनली जाना पड़ा। स्पष्ट है यहाँ तक। उसके बाद आई ब्रिटिश कंपनी। अब ब्रिटिश कंपनी का नंबर देखते हैं, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए पहले, थोड़ा देर कर देते हैं, क्लियर है, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। डच, हाँ जी, हेडलाइन दीजिएगा ब्रिटिश कंपनी, डच कंपनी हो गई, अब ब्रिटिश कंपनी हेडलाइन दें, ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी देखिए, ब्रिटिश कंपनी की अगर बात करें तो 1599 ईस्वी में, ब्रिटिश कंपनी की बात करें तो 1599 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। और 1600 में वहाँ की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने इस कंपनी को एक अधिकार दिया 15 वर्षों के लिए कि पूरे ब्रिटेन में आप ही वो कंपनी हो जो व्यापार करेगी भारत के साथ और कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी ब्रिटेन के अंदर, ठीक है जी। तो व्यापारी का एक अधिकार 15 वर्षों के लिए। लेकिन जब सम्राट बने आगे चल के जेम्स प्रथम, तो उन्होंने इस एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए कर दिया, जाओ भैया तुम ही व्यापार करोगे और कोई कंपनी नहीं आएगी। तो इसी क्रम में आप पढ़ते हैं, जब संवैधानिक विकास का इतिहास जब आप पढ़ते हैं, संविधान में पढ़ेंगे आप लोग, तो वहाँ पर इस एकाधिकार को समाप्त किया जाता है ताकि ब्रिटेन से अन्य कंपनियाँ भी आ सकें, है ना। तो 1599 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है, 1599 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है, क्लियर है यहाँ तक, 1599। उसके बाद अगला ईयर यहाँ पे याद रखेंगे 1600 में, वर्ष 1600, 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ ने, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को, कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया, 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया, ठीक है। उसके बाद 1600 में ही आप देखेंगे आगे चल के 1608 में ब्रिटिश सम्राट बनते हैं जेम्स प्रथम 1608-9 में, और वो इसको अनिश्चित काल के लिए कर देते हैं 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट है जेम्स प्रथम, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने इस एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए कर दिया, ठीक है जी। तो किसने किया, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था, 15 वर्षों के लिए एक अधिकार दिया था कि 15 वर्षों तक कोई और ब्रिटिश कंपनी नहीं जाएगी, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी होगी वो भारत नहीं व्यापार करेगी, आप ही करो, केवल व्यापार के लिए भेजा गया है ना। ऐसा बताते हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि ये भारत में जाके उपद्रव कर रहे हैं, युद्ध वगैरह कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब आगे देखेंगे सिराजुद्दौला उसके संदर्भ में, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तब मामला डिस्टर्ब होगा, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगा 1857 के विद्रोह में, जहाँ पर ब्रिटिश सरकार सारा मामला अपने अंडर में ले लेती है कि अब ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी, अब सारा मामला, सारा सिकंजा ब्रिटिश सरकार अपने अंडर में टेक केयर करेगी, यह आश्वासन देते हुए भारतीयों को कि अब ब्रिटिश सरकार अब पूरा टेक केयर करेगी, है ना। तो लेकिन सारा मामला तो वही था कि अपने हितों की पूर्ति करना है अंग्रेजों के संदर्भ में, तो वो चीज़ें इसका स्क्रीन शॉट लें। उसके बाद देखते हैं 1608 में, जी हाँ 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, किसके, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ब्रिटिश व्यापारिक मंडल
ब्रिटिश व्यापारिक मंडल भारत आया, भारत आया। और इस समय मुगल शासक कौन है? इस समय मुगल शासक है जहांगीर। और इसने आके इसको इम्प्रेस किया और भारत में व्यापार करने की अनुमति इससे प्राप्त कर ली, है ना। एक प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, पूछा गया है, एसएससी ने पूछा है प्रश्न कि जो कैप्टन हॉकिंस भारत की यात्रा कर रहा है 1608 ईस्वी में, उस समय मुगल वंश का शासक कौन है? तो नाम ध्यान रखें, जहांगीर है। पहला प्रश्न तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न, ये किस जहाज से भारत आया है? तो रेड ड्रैगन नामक जहाज था जिससे भारत आया है। हालांकि ऐसे प्रश्न बनने तो नहीं चाहिए बट फिर भी पूछा गया है तो आप ध्यान रखेंगे। कौन से जहाज से भारत आ रहे हैं भैया? रेड ड्रैगन, है ना। अब इन्होंने क्या कारनामा किया उससे प्रश्न पूछिए। अब रेड ड्रैगन से क्या मतलब है, है ना। तो ये कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा है एसएससी ने कि भाई जवाहरलाल नेहरू की राशि बताइए, है ना। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसे प्रश्न जो नहीं जानते हैं आपको छोड़ने होते हैं, सभी प्रश्न में शक्तिमान नहीं बनना है, यू हैव टू स्किप, है ना। नेगेटिव मार्किंग है तो 100 में से 100 आप नहीं जा सकते। हाँ, अगर सारे जानते हैं तो बात अलग है, अगर आप सारे जान रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन इसके संदर्भ में आपको ये नहीं करना है, ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। उसके बाद मुगल शासक जहांगीर है और रेड ड्रैगन नामक जहाज से ये भारत आ रहा है, और ये जहांगीर ही इसको इंग्लिश खान की उपाधि देता है। किसकी? इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। ये नाम यहाँ पे आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद बात करें 1698 ईस्वी तक आते आते बंगाल का सूबेदार होता है अजीमुशान। अजीमुशान ब्रिटिशर्स को तीन क्षेत्रों की जमींदारी दे देता है, है ना, तीन क्षेत्रों की, जिसमें गोविंदपुर है, सुतानती है और कोलकाता। अब इन तीनों क्षेत्रों को जॉब चारनाक नामक एक वास्तुकार है जो कोलकाता में कन्वर्ट कर देता है कि भैया हाँ, ये अब पूरा कोलकाता के नाम से जाना जाएगा, फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाएगा, है ना। तो कोलकाता की वास्तुकार कौन है? जॉब चारनाक। यहाँ पे ध्यान रखना है, तो एक पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद 1698, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर लिखें 1698 में सोलह सौ अट्ठानवे ईस्वी में बंगाल के सूबेदार कौन है? अजीमुशान ने गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता इन तीनों क्षेत्रों की इनकी जमींदारी अंग्रेजों को प्रदान की और जॉब चारनाक नामक वास्तुकार ने, आप कह सकते हैं जॉब चारनाक नामक वास्तुकार ने इन तीनों क्षेत्रों को कोलकाता यानी फोर्ट विलियम कह सकते हैं या कोलकाता में इसको कन्वर्ट कर दिया। जॉब चारनाक वास्तुकार है कोलकाता का, यहाँ पे ध्यान रखना है। और बंगाल का सूबेदार कौन है? अजीमुशान। 1698 ईस्वी ये गोविंदपुर, सुतानती, कोलकाता इनकी जमींदारी देता है अंग्रेजों को। क्लियर यहाँ तक? ये मामला सामने आता है, जॉब चारनाक इन तीनों क्षेत्रों को मिला के कोलकाता बना देता है, स्थापित कर देता है। और अभी तक जो भी व्यापार हुआ अंग्रेजों का भारत के साथ इस क्रम तक, यहाँ तक अंग्रेजों को एक टैक्स देना पड़ता था, एक कर देना पड़ता था, एक कि हम व्यापार कर रहे हैं इसका टैक्स ये लीजिए आप।
लेकिन मुगल सम्राट फर्रुख शियर आता है आगे, उसने 3,000 रुपये वार्षिक कि भैया अंग्रेज 3,000 रुपये वार्षिक आप हमें दे दो और टैक्स फ्री व्यापार करो, कोई आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो एक फरमान जारी करता है फर्रुख शियर, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट इसका स्क्रीन शॉट लें, अगला लिखेंगे 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख शियर ने फरमान जारी किया। और क्या फरमान था? फरमान क्या था कि भैया 3,000 रुपये वार्षिक, फरमान क्या था 3,000 रुपये वार्षिक 3,000 रुपये वार्षिक देने पर कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। ठीक है जी, कौन कर रहा है? मुगल सम्राट फर्रुख शियर। उसके बाद तो फिर टैक्स फ्री हो गया मामला, फिर इनकी सारी कंपनी चलने लगी। ठीक है जी, तो ब्रिटिश कंपनी अब सारा क्षेत्र अब धीरे धीरे वो करने लगेंगे। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे फ्रांसीसी भी भारत में आ रहे हैं, फ्रांसीसियों से इनकी टकराहट। एक तो मूड इनका ख़राब है अमेरिका को लेकर, क्योंकि अमेरिका भी इनका एक समय पर गुलाम देश हुआ करता था, फ्रांसीसियों ने मदद करी, वो आज़ाद हो गया है ना, तो अब इनका फ्रांसीसियों को लेकर मूड ख़राब है। अब ये भारत में भी आ गए हैं, तो अब यहाँ पे 3 युद्ध होंगे, कर्नाटक युद्ध, जिनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। बेसिकली अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध होते हैं। लेकिन पहले फ्रांसीसी कंपनी के संदर्भ में बात करें, हेडलाइन दीजिएगा फ्रांसीसी, पहले डेनिश, माफी चाहते हैं डेनिश के बारे में बात करते हैं, इसके बाद अंग्रेजों के बाद डेनिश कंपनी आई है ना, अंग्रेजों के बाद डेनिश कंपनी भारत आ रही है ना, इसका ज़्यादा मामला नहीं था। डेनिश डेनमार्क के निवासी हैं, है ना, और 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर रहे हैं और व्यापारिक केंद्र बनाते हैं ट्रंकोबार, तमिलनाडु में वो क्षेत्र ट्रंकोबार हुआ करता था, लेकिन बहुत उल्लेख नहीं मिलता इनका। अंततः ये अपने सभी व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों को बेच के चले जाते हैं, उनको भी पता लग गया कि भाई डचों को बढ़ा दिया है, पुर्तगालियों को ये पराजित कर चुके हैं सवाली के युद्ध में, है ना, तो वो सवाल ही नहीं उठता कि ये भी टिके रहे हैं, है ना, तो कुछ इस तरीके से। तो लिख सकते हैं डेनमार्क के निवासी हैं, ये कौन है, ये डेनमार्क के निवासी हैं। ठीक है, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है, 1616 ईस्वी में, मेंशन कर लेंगे 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी इन्होंने, और उसके बाद अपना मुख्यालय ये बनाया इन्होंने ट्रंकोबार। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है जी, और अंत में सभी व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों को बेचकर वापस चले गए, है ना, ये मामला रहा इनका। अच्छा, एक प्रश्न अगर आपके दिमाग में आए, आप ऐसा सोच सकते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में गए 1961 में, तो अंग्रेजों का सिकंजा कैसे हो गया, पुर्तगाली इतने शांत क्यों हो गए? क्योंकि पुर्तगालियों का व्यापार ब्राज़ील से भी होने लगा, ब्राज़ील चले गए थे साउथ अमेरिका, वहाँ से व्यापार करने लगे, तो अब जब वहाँ से भी उनकी पूर्ति होने लगी तो यहाँ कम महत्व देने लगे, लेकिन हाँ टिके रहे यहाँ पे भी, ये मामला रहा। तो ये एक कारण है कि ब्राज़ील चले गए और उनका रुझान इस तरफ थोड़ा कम देखने को मिला, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि भैया युद्ध तो उनके बस का नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा कि ब्रिटेन जो मैप में आप कुछ इस तरीके से लोकेशन देखेंगे ब्रिटेन की, चारों तरफ समुद्र है ब्रिटेन के, ये ब्रिटेन का लोकेशन, और अगर आपके घर के चारों तरफ पानी हो तो घर का प्रत्येक व्यक्ति तैरना तो जानता है, नहीं जानता तो सीख जाता है ना, आपके घर में गाड़ी हो आप चलाना ज़रूर सीख जाएंगे, चारों तरफ समुद्र है, नौ सैनिक शक्ति, नौ सैन्य
जो इनकी व्यवस्था रही वो स्ट्रांग थी, जो अन्य देशों की नहीं थी। दूसरा पॉइंट, कोई पड़ोसी देश नहीं है तो पड़ोसियों का भी कोई लफड़ा नहीं, जैसे भारत के कई पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान डिस्टर्ब करता है, नेपाल है इधर, बांग्लादेश है ना, ये सारे, तो कोई पड़ोसी नहीं। तो ये नौ सैन्य शक्ति का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया और जो जिसके माध्यम से ये आगे चल के भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तो कुछ ये मामला यहाँ पे इनका देखने को मिलता है। अब अगली कंपनी आती है फ्रांसीसी कंपनी, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडलाइन दीजिए फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी। देखिए फ्रांसीसी कंपनी की बात करें तो फ्रांसीसी कंपनी के संदर्भ में लुई फोर्टींथ शासक है इस समय फ्रांस का, और वो अनुमति देता है कि भैया ठीक है आप भी स्थापित करो, अपनी कंपनी बनाओ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1664 ईस्वी में, है ना, किसके समय बन रही है, लुई चौदवा वहाँ का शासक है फ्रांस का। तो लिख लेंगे एक पॉइंट कि 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में लुई फोर्टींथ ये कौन है, फ्रांस का शासक है, फ्रांस का शासक है, यानी लुई फोर्टींथ के समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। ये प्रश्न है आपके लिए, ध्यान रखेंगे, स्थापित हुई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई कब हो रही है, 1664 में लुई फोर्टींथ के समय, जो यहाँ पे इस समय फ्रांस का शासक है। और जब ये भारत आते हैं तो जैसे आपने देखा कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में एक ब्रिटिश मंडल भारत आया, ऐसे ही 1668 में एक फ्रांसिस कैरो नाम का एक फ्रांसीसी है जिसके नेतृत्व में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो मंडल है वो भारत आ रहा है ना। तो लिख सकते हैं 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी मंडल भारत आया, फ्रांसीसी मंडल भारत आ रहा है फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये भारत पहुँचते हैं और अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत को बनाते हैं। अंग्रेजों ने भी अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत को बनाया जब जहांगीर के समय में मिले और वहाँ से अनुमति लेकर व्यापारिक केंद्र सूरत। अंग्रेजों के संदर्भ में थोड़ा सा वापस ला रहा हूँ, अंग्रेजों के संदर्भ में दो पॉइंट ध्यान रखना है। पहला, अगर आपसे सिंपल सा पूछे कि अंग्रेजों की पहली व्यापारिक फैक्ट्री मान लीजिए सूरत विकल्प में नहीं है तो मसूलीपट्टनम को वो बनाते हैं जो कि अनौपचारिक थी, लेकिन औपचारिक रूप से ऑफिशियली जो बनाते हैं वो सूरत है। अगर सूरत विकल्प में नहीं है तो मसूलीपट्टनम लगाइए, अगर सूरत विकल्प में है तो सूरत यू हैव टू क्लिक, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री, पहला व्यापारिक केंद्र सूरत को बनाते हैं। तो पहला व्यापारिक केंद्र इन्होंने कहाँ बनाया, प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में ये भी बनाते हैं। अब ध्यान आ रहा होगा आपको कि सूरत की लूट जो छत्रपति शिवाजी द्वारा की गई कितना महत्व है सूरत का, है कि नहीं है, तो ये वो वाला मामला। अब यहाँ पे जो पहले फ्रांसीसी गवर्नर की जो चर्चा मिलती है वो है डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था भाई, डुप्ले था, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बारे में जरा समझ पाए, ये ऐसा व्यक्ति रहा कि जो घर परिवार के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप कर रहा है और ऐसी नीति बनाता है कि उसका लाभ हम उठाएं, लेकिन ये उतना लाभ तो नहीं उठा पाया। रॉबर्ट क्लाइव ने इसका भरपूर प्रयोग किया, इसने देखा अच्छा सिराजुद्दौला के यहाँ विवाद चल रहा है परिवार में, उसकी जो मौसी हैं घसीटी बेगम उनको अपने अंडर में करा, आपने अपनी कस्टडी में लिया, बाकी के जो उनके परिवार के लोग सबको मिलाया और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध है ना। तो ये सारा मामला कहीं ना कहीं डुप्ले तो लेके आता ही है, लेकिन फ्रांस और अंग्रेज जो ब्रिटेन के ब्रिटिशर्स हैं इनके यूरोपीय मुद्दों के कारण तीन युद्ध होते हैं जिनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया है, ठीक है जी। तो लिख लेंगे यहाँ पे एक पॉइंट कि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य यूरोपीय मुद्दों के कारण
यूरोपीय मुद्दों के कारण तीन युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न मिलना ही मिलना है, ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडलाइन दीजिएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य युद्ध। ठीक है जी, तो लुई 14 के समय पे ये कंपनी स्थापित हो रही है 1664, ध्यान रखना है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई 1668 में। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी मंडल भारत आया और पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ बना दिए, सूरत को। ठीक है जी, सूरत। उसके बाद पहला फ्रांसीसी गवर्नर जो बना वो था डुप्ले। और फिर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य जो यूरोपीय मुद्दे हुआ करते थे उनको लेके युद्ध, जो मैंने बताया कि फ्रांसीसियों ने अमेरिका की मदद करी तो वो एक मुद्दा बन गया इनका, है ना, उसको लेकर। और फिर भारत में भी ये व्यापार करने आ गए, उनको लेकर तीन युद्ध होते हैं जिनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जा रहा है। और यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा आपके लिए कि पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ, पहला कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ, पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, ये तीन प्रश्न यहाँ पे निकल के आते हैं। कारण बड़े मुश्किल हैं पूछे जाएं, बट फिर भी आपको बता देंगे। समुद्री जहाज़ों को लूट लेते हैं फ्रांसीसी लोग, अंग्रेजों के जहाज़ों को लूट लेते हैं, तो पहला युद्ध तो ये हो गया। दूसरा युद्ध उनके उत्तराधिकार को लेकर रहा। तीसरा युद्ध जो उनकी बात नहीं मान रहे थे, यानी कई सारे कारण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हेडलाइन दीजिएगा, तीन कर्नाटक युद्ध। तीन कर्नाटक युद्ध। प्रथम ऑंग्ल कर्नाटक युद्ध। ऑंग्ल का मतलब अंग्रेज है, अब आप लोग जान गए, है ना। ये कब से लेके कब तक लड़ा गया, ये पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। तो ये 1746 से लेके 1748, दो साल ये चलता है, 1746 से 1748 किन के बीच है, ये बिल्कुल ध्यान है, अंग्रेज और फ्रांसीसी। हालांकि ये तीन युद्ध तो संधियों से समाप्त हो रहे हैं, कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ उसके बाद ये युद्ध समाप्त हो गए, लेकिन फाइनली फ्रांसीसियों को कैसे पराजित कर दिया इन्होंने कि फ्रांसीसियों का कब्जा समाप्त हो गया, वो था वॉन्डी वॉश का युद्ध जो मैंने आपको बताया था 1760 में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हो रहा है। उसके बाद डिसाइड हो गया कि भारत पर शासन करेगा कौन, अंग्रेज, है ना। तो अंग्रेजों का साम्राज्यवादी विस्तार, साम्राज्यवादी नीतियाँ, प्रशासनिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, ये सब लेके भारत पर शासन करना शुरू कर दिए, है ना। क्योंकि पहले भारत से पहले अमेरिका गुलाम है, अफ्रीका में कई देश हैं जो इसके गुलाम हैं, है ना, तो अब उनको पता है कि गुलाम कैसे बनाना है और कैसे उस पर शासन करना है, तो धीरे धीरे अपनी नीतियों को ये लाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे पहला कर्नाटक युद्ध आपने देखा 1746 से 1748 के बीच, कौन सी संधि से समाप्त होता है ये आपको पता होना चाहिए। संधि लिख लेंगे इसमें, कौन सी संधि से ये समाप्त हुआ, ऑक्सा ला शैपेल की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। ठीक है जी, पहला युद्ध यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला लिखें, द्वितीय ऑंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक है जी, द्वितीय ऑंग्ल कर्नाटक युद्ध, ऑंग्ल मतलब अंग्रेज, कब से कब तक हो रहा है, 1749 से 1754 के मध्य, किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है जी, कौन सी संधि से समाप्त हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना है, पौंडीचेरी की संधि होती है, पौंडीचेरी का एग्रीमेंट होता है, उसके बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है। कौन सी युद्ध से, कौन सी संधि से, तो पौंडीचेरी की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया 1749 से 1754 तक चलता है। फिर तृतीय ऑंग्ल कर्नाटक युद्ध
1785 से लेकर 1785 से लेकर 1758 माफी चाहते हैं 1758 से 1763 तक चलता है, 1758 से लेकर 1763, हाँ उसके बाद तो फिर आगे मामला डिस्टर्ब चेंज होगा है ना, 1758 से 1763, क्योंकि 1760 में वॉन्डी वॉश का युद्ध भी होना है। तो ये युद्ध कौन सी संधि से समाप्त होता है, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे पेरिस की संधि होती है ना, पेरिस जो कि आप देखें यूरोप में है ना, पेरिस की संधि से समाप्त हुआ, कौन सी संधि समाप्त हुआ, पेरिस की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। और नोट डाल के इसमें एक पॉइंट ध्यान रखें, नोट डालकर एक पॉइंट ध्यान रखें, अलग से प्रश्न बनता है कई बार कि वॉन्डी वॉश का युद्ध, वॉन्डी वॉश का युद्ध किनके बीच हुआ, तो ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसियों के बीच है ना, इसमें विजयी कौन हुआ, अंग्रेज लोग। और कब हो रहा है, 1760 ईस्वी में ये युद्ध हो रहा है, आप देख रहे होंगे 1763 तक ये चलता है, इसी बीच ये युद्ध हो रहा है, किनके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, 1760 का वॉन्डी वॉश का युद्ध। और इसके बाद डिसाइड हो गया कि अब भारत पे शासन करने वाला कौन है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार कैसे इन्होंने क्षेत्रों को जीता, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध, मराठा हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके जो मराठा ऑंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको ध्यान रखें, फिर कैसे बंगाल, मैसूर, पंजाब और अवध इनको कैसे विस्तार करते हैं यहाँ पे ये, उसके बाद अगले क्रम में हम देखेंगे साम्राज्यवादी नीतियाँ लेके आते हैं, क्या क्या नीतियाँ रहीं, सहायक संधि है ना, वैली जली की, और हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की, उसके बाद प्रशासनिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, कई सारी नीतियाँ ये भारत पे थोपने लगते हैं, और जिसके क्रम में भारत इनका गुलाम बनता चला जाता है। ठीक है जी, और फिर फाइनली भारतीय प्रतिक्रिया, 1857 का विद्रोह, और फिर राष्ट्रीय आंदोलन। पूरा सिलेबस जो हम लोग इसके आधुनिक भारत के इतिहास में डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, अपने रूम में लगा लीजिएगा, ताकि उसको देखते रहें, अच्छा ये क्रम में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।